हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेशनल खबर और मैं हूँ आपके साथ में एलिश। और यहाँ से हम चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया की ओर। सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली का नाम बदल दिया गया है। अब जानिए उसका टाइटल क्या होने वाला है। बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान हर साल पर्दे पर बड़ा धमाका करते हैं। हर साल भाईजान ईद के मौके पर अपने फैंस को एक गिफ्ट देते हैं। इस साल जहां ईद पर सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड फाइट रिलीज होने वाली है, इसके अलावा जल्द ही सासित नाडियावाला की आने वाली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग भी सलमान खान जल्द ही शुरू कर सकते हैं। ऐसे में अब इस फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कभी ईद कभी दिवाली का नाम बदल कर अब भाईजान करने की खबर आ रही है। प्रोड्यूसर सासित नाडियावाले ने फिल्म का नाम भाईजान रजिस्टर भी करवा दिया है। सासित ने मीडिया से बात करते हुए एक बात बताई है, भाईजान नाम फिल्म की कहानी को काफी सूट करता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म एकता का संदेश देने वाली होगी। खास बात तो ये है कि फिल्म की कहानी सलमान खान की फैमिली से ही कुछ प्रेरित होने वाली है। सलमान खान की फैमिली सांप्रदायिक एकता का जीता जागता उदाहरण है। ये एक ऐसा परिवार की कहानी होने वाली है जिसमें ईद और दिवाली दोनों ही फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। ऐसे में वो नहीं चाहते कि कोई उनके फिल्म के नाम को गलत तरीके से समझ जाए। ये फिल्म को बनाने के नाम पर दो फेस्टिवल का मजाक बना रहे हैं, इसलिए मेकर्स अब एक नए टाइटल को तलाश रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग इसी साल सितंबर से शुरू हो जाएगी। इससे पहले सलमान खान अपनी टाइगर 3 की शूटिंग भी पूरी कर लेंगे। वहीं सलमान खान की राधे योर मोस्ट वांटेड फाइट भी 13 मई को रिलीज हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि सलमान खान की जो ये कभी ईद कभी दिवाली का जो नाम बदल दिया गया है, जो अब भाईजान हो गया है, तैयार होने में और लोग इसे कितना पसंद करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और भी जानकारियों को जानने के लिए, और ये कब रिलीज होती है उसकी जानकारी भी हम ही देंगे। तो इसीलिए हमारे वीडियोस को देखना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही। धन्यवाद।